नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, जहां नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पार्टी विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में बीजेपी के 74 विधायकों में से सिर्फ 50 ही मौजूद थे, बाकी 24 विधायक बैठक में नहीं आए और अब इन गायब विधायकों के कारण पार्टी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल सियासी हलकों में चर्चा है कि सभी 24 विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि जो विधायक गायब रहे उनमें ज्यादातर उत्तर बंगाल से आते हैं। यहीं पर सवाल उठने लगा कि क्या नरारद विधायक टीएमसी में जा सकते हैं। खास तौर से मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद से अटकलें और बढ़ गई हैं कि बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि विधायकों के अनुपस्थित होने के सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में सभी को नहीं बुलाया गया था। वहीं मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कई विधायक पार्टी से खफा है और कुछ विधायक मुकुल रॉय के नक्शे कदम पर चलकर टीएमसी में अपनी वापसी कर सकते हैं। इनमें राजीव बनर्जी का नाम सबसे आगे है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने पिछले साल दिसंबर में बीजेपी का दामन थामा था। शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को मात दी थी। चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।